हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सुमिताज वर्ल्ड। तो आज का जर्नी हम शुरू करेंगे यहाँ से। हमारा सीरीज चल रहा है नेपाल का, आप तो जानते ही हैं। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे जर्नी लहान से पोखरा तक। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपको मैं बता रही थी कि हम लोग लहान में रुके थे रात में। तो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी यहाँ का जो हॉस्पिटल है, वो फेमस आई हॉस्पिटल जो नेपाल में सब कोई आते हैं आई चेकअप के लिए, और वो हॉस्पिटल लहान में ही है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ हॉस्पिटल, ये हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस में है। और ये हॉस्पिटल 52 किलोमीटर एरिया लेके ये हॉस्पिटल है। मैं आपको दिखा रही हूँ हॉस्पिटल सागरमाथा चौधरी आखा हॉस्पिटल लहान। सिर्फ इंडियन का 250 रुपया में आपका आई चेकअप हो जाएगा। इसे 1983 को बनाया गया था एंड इट्स अ हाई वॉल्यूम आई हॉस्पिटल विथ 7 सैटेलाइट क्लिनिक्स। तो ये रहा वो एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट आई हॉस्पिटल, वो जो नेपाल में है वो लहान में ही है। अगर आपको कोई भी आई की प्रॉब्लम हो, आप आना चाहते हैं तो लहान में आइए, ये आई हॉस्पिटल में आप चेकअप करा सकते हैं। मैंने आपको डिटेल शेयर कर दी है, ठीक है। अभी हम चलते हैं, हम लोग आज पोखरा तक जाएंगे। हमने हमारी जर्नी यहाँ से शुरू कर ली है, देखिए आप। यहाँ से पोखरा 401 किलोमीटर है। बीच बीच में रोड थोड़ा ऑफ है और बम्प भी है, थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही है। तो हम आ गए हैं बटीवास, हम यहाँ पे थोड़ा कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे। सुबह तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, वहाँ से डायरेक्ट निकल गए थे। तो अभी यहाँ बटीवास आलू का पराठा, तो ब्रेकफास्ट हो गया है अभी। अभी 11:30 बज रहे हैं, हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं वर्दीवास से पोखरा के लिए। पोखरा यहाँ से 330 किलोमीटर है यहाँ से वर्दीवास से। पता नहीं कवर कर पाएंगे या नहीं, कोशिश तो यही रहेगी कि हम लोग कवर कर ले, पता नहीं अब। देखिए सुमित गुप्ता मिठाई पसल, यहाँ हम लोगों ने किया है ब्रेकफास्ट, अच्छा ही था। यहाँ का समोसा बहुत ही अच्छा था। तो वर्दीवास को बोलते हैं बाय बाय, तो चलते हैं हम अभी पोखरा की तरफ। गए हैं अभी चौफर में, थोड़ा रुक गए हैं क्योंकि हमारे एक राइडर का बाइक का जो पीछे का जो लगेज कैरियर है वो टूट गया है, तो उसको ठीक कराने के लिए हम यहाँ रुके हैं। आप देखिए अभी ये रिपेयरिंग कर रहा है, इसके रिपेयर के बाद ही हम निकल पाएंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो हमारा वो कैरियर रिपेयर हो गया है, अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से हम लोग को पोखरा जाना है, लेकिन लगता है आज भी नहीं पहुँच पाएंगे शायद, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत लग गया है।
अभी और भी 300 किलोमीटर जाना है। ये नहीं होगा क्योंकि जाते जाते 10 बज जाएगा, रात में ट्रेवल करना बहुत ही मुश्किल है। तो देखते हैं क्या होता है, बीच में कहीं रुक जाएंगे। कैरियर ठीक हो गया है, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। चलिए चलते हैं। अभी हम लंच करेंगे, तो ये हमें जा रहे हैं, देखते हैं लंच में क्या मिलता है। वो हम लोग का राइडर हाय, तो ये मेनू डिसाइड कर रहा है, तो देखते हैं क्या की खावे। बड़े मच्छी डाइसेटम लगी, भात ही खाओ, भात थाली नहीं है ना। थाली थाली है क्या? थाली होगा ना, वेज थाली नहीं है, वेज भी है। क्या क्या आएगा उसमें थाली में? नेपालियन रुपी में ना, हाँ हाँ नेपालियन नेपालियन सब सब ये आइटम आता है। ठीक है, तो चार थाली कर दीजिए ना। देखिए हमारा खाना आ गया, थाली आइटम है। देखिए नॉर्मल मेरा वाला भी आ गया, ये साग साग क्या साग क्या बोलते हो? ठीक है, खाना बहुत ही लजीज था, टेस्टी था। सोचा नहीं था इतना अच्छा होगा, पेट भर के खाया। आप अगर पोखरा जाते हुए पतले या अगर आपको रास्ते में पड़ेगा तो आप ज़रूर यहाँ आइए अंकल जी के रेस्टोरेंट में। ये देखिए अंकल जी, आपको मैं रेस्टोरेंट का नाम पहले ही दिखा चुकी हूँ, आप ज़रूर आइए पतले। अभी हम यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से सीधा रास्ता बिहार बॉर्डर जाता है और जो बाई तरफ से जो रास्ता आता है वो काकरभीटा से आता है। ये पोखरा जाते हुए रास्ता है, देखिए साइड में कितना सुंदर जंगल है। दो जंगलों के बीच से ये रास्ता गुजरता है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है और ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। शायद लग रहा है कि आसपास कहीं बारिश हो रही है। मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, मुझे कभी नहीं लगा था कि लाइफ का पहला एक्सपीरियंस इतने मज़ेदार होगा। लग रहा है कि मैं पंछी बन के ऐसे उड़ रही हूँ। कितना सुहाना मौसम है।
नेपाल में मैंने एक चीज़ खूब नोटिस किया है कि हर आधे घंटे के बाद ही कोई नदी मिलता है, कोई ब्रिज मिलता है। ये एक अलग सी बात है, मैंने बहुत ही नोटिस किया है। हे, बारिश हो रही है। वाव, थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, हल्की हल्की, बहुत ही मजा आ रहा है। धीमी धीमी सी, देखो बारिश हो रही है। It's raining. इधर तो धीमी धीमी सी बारिश हो रही है, लग रहा है आगे और भी भारी बरसात हो रही है, क्योंकि हमें थोड़े दूर से ही दिखाई दे रहा है कि आगे थोड़ा धुमला धुमला सा है, आगे थोड़ा फॉगी फॉगी सा वेदर लग रहा है, दिखाई दे रहा है हमें। शाम भी हो गई है, लगभग 6 बज गए हैं, अभी जाते जाते और भी देर हो जाएगी, तो हमें शायद पोखरा नहीं जा पाएंगे, हमें बीच में ही कहीं रुकना पड़ेगा। लग रहा है सामने नारायणगढ़ है, तो हम वहीं रुकेंगे। तो हम आज आ गए हैं नारायणगढ़, क्योंकि हम पोखरा नहीं जा पाए हैवी रेनफॉल के कारण, भारी बारिश हो रही है बाहर, तो हम बीच में ही रुक गए हैं नारायणगढ़ में। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।